पहली इलाहाबाद की है, और वहाँ पे 1854 में स्टार्ट हुई थी। और मैं जो फिफ्थ जनरेशन में इस काम को कर रहा है, और यहाँ लखनऊ में है ये जहाँ पे इस दुकान है, ये इस समय 1920 की है। मैचिंग कर पा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि रेट्स इतने हायर हो रहे हैं, जो कि हम लोग जो हायर कर रहे हैं, सर्विसेज जो हायर कर रहे हैं वो बहुत महंगी, और इनके जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके दाम नहीं बढ़ पा रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग आपने देखा फूडिंग वगैरह बहुत नॉर्मल वेज में, या लड़के भी ड्रेस भी नहीं है, तो मेनली देहात का स्टाफ होता है तो बहुत स्किल नहीं कर सकते, वर्किंग आवर्स लंबे हैं हमारे, सवेरे 6:30 बजे से रात 10:30 तक, तो ऐसे में शहर का आदमी रुकता नहीं, उसको दो शिफ्ट में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली जाता है। पूरी दाम हम लोग 70 रुपये की चार देते हैं, उसमें 3 सब्जी रहती है, चटनी रहता रहता है, तो 70 रुपये में सोचिए देशी के 4 सामान आप खड़ी महक ले रहे हैं, तो बहुत कठिन है, जबकि डोसा भी नहीं मिल रहा, देखिए ना भटूरा मिल रहा है 70 रुपये। हम लोग ऐड के लिए ज़्यादा करते हैं कि भाई अपनी दुकान वाले बताइए ऐड के दे दीजिए, और ऐसा तो नहीं कैश में, क्योंकि हम लोग कहीं पार्टिसिपेट जाते नहीं, करते नहीं, कोई इवेंट में जाते नहीं, तो जब नहीं जाते तो लिंक अप खत्म हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले बुलाते रहते हैं, ये बुलाते रहते हैं भाई आप यहाँ स्टॉल लगाइए वहाँ लगाइए, लेकिन हम नहीं लगा पाते, तो इससे वो चैनल टूट गया है। अब बच्चे आ रहे हैं, हमारी भीड़ में बच्चा इंटर में है, वो शायद कैरी करेगा, तो तब
फ्रेश सब्जियाँ कटती हैं और सारा कुछ साफ सफाई से मूवी होता है। इधर भी कस्टमर्स आते हैं, हर टाइप के कस्टमर्स, भाई से लेकर लोग कैटेगरी तक के सब कस्टमर्स आते हैं। आपको लगता है कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसा और हो सकता है जिससे शायद आप और बड़े लेवल पे अपनी शॉप खोल सकते हैं? या बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, बड़े बड़े फूड स्टॉल्स होते हैं, लोग वहाँ जाते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, खाते हैं, इसी रेस्टोरेंट चले आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके स्टॉल में मतलब अगर वो चीज़ होती तो शायद और इनकम होती? नहीं, और इनकम नहीं होगा हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा जो इसमें प्रॉपर जो प्रॉफिट है वो रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर्स हमको ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे मेनली क्या है, चलता हुआ रोड है, रोड पे कस्टमर निकलता है, मन करता है वो खाएं खाएगा, और सारी चीज़ें फ्रेश मिलेंगी इसमें यहाँ पर। अब होटल्स में क्या होता है ना, अंदर किचन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कस्टमर को पता नहीं, उसके सामने जो होगा उसने खाया। यहाँ पर प्रॉपर आपको जैसे खाना है वैसे आप बनवाइए खाइए प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पर आपको सीख ज़्यादा मिलेगी, होटल रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलेगी। वो कर्टन लगाने का बोल रहे थे, मैंने कहा मैम वो शर्टन वर्टन नहीं लगे तो मैंने शर्टन क्या हुआ, बोले कर्टन लगाने का बोला, कर्टन लगने दिया, कर्टन नहीं लगे, कर्टन बहुत पैसा रहता है और अंदर बैक करो।